जय हिंद। नमस्कार मेरे सेठ सैन्य, स्वागत है आप सबका अपने YouTube चैनल कमांडो के लिए। दोस्तों आज का हमारा वीडियो स्पेशली एसएससी जीडी फिजिकल को लेकर है। क्यों? क्योंकि पिछले दो तीन दिन में एसएससी जीडी फिजिकल को लेकर इतनी ज्यादा अफवाह, इतने ज्यादा नोटिस वायरल हो रहे हैं कि बच्चों के समझ में नहीं आ रहा सर इनमें से किसको रियल माने। देखो मेरे सामने, मैं आपको बताता हूँ तीन नोटिस जो आपके सामने इस समय वायरल हो रहे हैं। एक तो ये नोटिस जो कि 22/7 से वायरल हो रहा है, इसके बाद में एक नोटिस ये भी आ गया है जो कि 21/7 का बताया जा रहा है कि ये 21/7 का इसमें साइन है और वो भी सीआरपीएफ के डीआईजी के। और अगर इस पे देखोगे यहां पर भी सीआरपीएफ के डीजी है लेकिन सिग्नेचर नहीं दिए हुए, ठीक है, इस नोटिस के बारे में। साथ ही आपके मन में एक संदेह भी आता होगा कि सर ये नोटिस आते कहां है, ये यूट्यूब वालों के पास में तो आ जाते हैं, हमारे पास में नहीं आते। तो उसका भी मैं आज आपको इलाज बता दूंगा, आपको बता दूंगा कि जितने भी नोटिस है एसएससी के जो कि ऑफिशियल वेबसाइट पर नहीं आते ये वो कहां से लेते हैं। मैं आपको एक वेबसाइट का नाम बता रहा हूं, नोट कर लेना, और इस वेबसाइट पे जाके आप सर्च कर लेना, आपको सारे के सारे जो नोटिस है वो वहां पर मिल जाएंगे। वेबसाइट का जो नाम है वो है रोजगार वाला, रोजगार वाला, ठीक है। आप गूगल पे जाके जब सर्च करोगे तो सर्च करना रोजगार वाला, इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने आएगा और ये वेबसाइट है भाई। जितने भी जो यूट्यूब पे वीडियो बना रहे ना वो इस वेबसाइट पे जब आप देखोगे यहां पर एसएससी जीडी फिजिकल टेस्ट, बीएसएफ एससीएम, इन जितने भी वायरल जो नोटिस है वो इस वेबसाइट पर सारे मिल जाएंगे आपको। तो एक तो यहां से आप ये क्लियर हो जाएगा कि ये जो नोटिस आते हैं कहां से आते हैं। साथ इस वेबसाइट पे वो भी बता रखा है कि इस नोटिस में कितनी सच्चाई है या क्या जेन्युइन नोटिस है या फेक नोटिस है, उसके ऊपर थप्पा लगा के बताते हैं। तो वहीं से बताते हैं, लेकिन वो जो यूट्यूब पे जो वीडियो बना रहे होते हैं या जो भी बता रहे होते हैं वो आपको ये 100% बताते नहीं। तो पहले बात तो नोटिस वहां से मिलते हैं, आप पूरी की पूरी अपडेट उस वेबसाइट से ले सकते हैं। सबसे पहले कोई भी वायरल नोटिस आएगा उस वेबसाइट पे आ जाएगा जो रोजगार वाला है ना, ये दे देता है। अब ये कहां से देता है तो इसी को पता है, हमको पता नहीं। ये सारे के सारे नोटिस अभी मैंने वहीं से लिए हैं, ठीक है। तो इसके अनुसार जो फिजिकल की डेट है वो 18/8 से 28। अगला एक नोटिस है ये 21/7 का है, इसके अनुसार जो फिजिकल आपका शेड्यूल हुआ है वो हुआ 27/8/2024 से, ठीक है। इसके अनुसार 27/8/2024 से द एडमिट कार्ड फॉर द पीएसटी पीईटी स्टेज विल बी अपलोड ऑन सीआरपीएफ वेबसाइट। ध्यान रखना, हाँ, इसके सारे के सारे जो एडमिट कार्ड है वो सीआरपीएफ की ऑफिशियल वेबसाइट पर ही अपलोड होते हैं। कोर्स कैंडिडेट आर एडवाइज टू विजिट सीआरपीएफ वेबसाइट, ठीक है, rect.crpfgovernment.in फॉर द टाइम टू डाउनलोड एडमिट कार्ड। कैंडिडेट विल बी नॉट बी परमिटेड फॉर द पीएसटी पीईटी विदाउट एडमिट कार्ड। ये एक नोटिस वायरल हो रहा है, इसके अनुसार यानी 27/8 से आपके एडमिट कार्ड आएंगे, ठीक है, और जो फिजिकल है वो भी 27/8 से शुरू हो सकता है। देखो इवेंट एग्जाम्पल राइफल क्वालिफाइड शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट विल बी टेंटिव शेड्यूल फॉर द 27/8/2024 से संभावित हो सकते हैं या उससे पहले पहले आपके एडमिट कार्ड जारी हो सकते हैं। अब एक नोटिस ये देखो, ये आया था पिछली बार भर्ती का, जो 2023 वाली भर्ती थी ना लाडो, ये उसका नोटिस है। और इस नोटिस के अनुसार, ये जो नोटिस है इसके अनुसार पिछली बार जो 1/5/2023 से फिजिकल हुए थे उसके लिए पहले एक नोटिस जारी हुआ था, और सेम ये नोटिस सेम है, आप देख लो सेम टू सेम है। तो उसी हिसाब से मुझे लगता है कि ये रियल नोटिस है। तो आपके जो फिजिकल है वो पूरे पूरे चांस है कि 27/8 से शुरू होंगे, आगे कितना चलेंगे इसकी डेट पहले से फिक्स नहीं है। और बाकी इस नोटिस के बारे में या किसी भी नोटिस के बारे में आपको जानना होना तो मैंने आपको वेबसाइट बता दी है, उस पर जाके चेक कर लेना। मुझे जहां तक लगता है ये नोटिस सेम है और बिल्कुल रियल भी लग रहा है, दोनों में जो सिग्नेचर है वो भी काफी मैच कर रहे हैं और सही लग रहे हैं। मतलब डीआईजी अलग है तो सिग्नेचर अलग होंगे लेकिन पूरा का पूरा परफॉर्म सेम है, तो लग सकता है कि ये सही हो और आपके जो फिजिकल है वो 27/8 से शुरू हो सकते हैं भाई, ठीक है। तो आपके सारे कंफ्यूजन खत्म हो गए होंगे, बाकी आपके और भी कोई रह गया तो उस वेबसाइट पे विजिट करते रहो, अब किसकी है क्या है वहां पर सारी जानकारी जरूर मिल जाती है। तो ये मैंने आपको बता दी भाई, ठीक है। अब जय हिंद जय भारत।